जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि रेलवे भर्ती 2024 की पहली परीक्षा आपका एएलपी का होना है। तो ऐसे में एक सवाल लगातार मन में उठते रहता है कि आखिर एएलपी क्रैक करने के बाद, सिलेक्शन लेने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, एएलपी का काम क्या होगा, हमारी सैलरी कितनी होगी। ये सब सवाल कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्रों के मन में आता है। मेरे मित्र, अगर आपके मन में भी इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो बने रहिएगा इस छोटे से वीडियो के अंत तक। ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि अगर हम लोग एएलपी बनने की बात करें कि सर बना कैसे जाए, पहले तो बना जाए, उसके बाद सर बनने के बाद उसकी काम की बात करी जाएगी। तो बनने के लिए आपको तीन चरण से गुजरने होंगे, CBT 1, CBT 2 और साइको फेस करना होगा। और कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि मैथ, रीजनिंग और साइंस, इस तीनों पे आपको बेहतर पकड़ बनाना होगा। और इसी तीनों सब्जेक्ट के सहारे आप क्या करेंगे सर, एएलपी तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। मेरे मित्र, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो ध्यान में रखिएगा कि सिलेक्शन के लिए आपको CBT 1, CBT 2 और साइको, इस तीन स्टेज से गुजरना है। और इस तीनों स्टेज से गुजरने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी और फिर आपको सर किसी सर इंजन में आपकी पोस्टिंग करवाई जाएगी। तो यहां तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सवाल यह है कि गुरुजी पहुंच गए यहां तक, अब पहुंचने के बाद हमारी जो पहला सवाल है कि वो सैलरी कितनी होगी सर। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसके ग्रेड पे की बात करें तो एएलपी के लिए सर ग्रेड पे आपका 1900 है और साथ ही साथ पे स्केल जो है वो आपका 19900 है। और मोटा मोटी ये मान के चल सकते हो, एक्यूरेट नहीं, अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग आपका जो मंथली सैलरी होगा स्टार्टिंग में सर 35,000 के आसपास। ध्यान दीजिएगा, कई सारे छात्र कहेंगे कि गुरुजी प्राइवेट सेक्टर इससे बढ़िया होगा क्योंकि वहां पे भी हमको इस तरह की सुविधाएं मिल जाएगी। मेरे मित्र बिल्कुल मिल जाएगी, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा क्योंकि मतलब आप प्राइवेट में कुछ भी कर लो, कहीं ना कहीं एक जो सेटिस्फेक्शन होती है, क्योंकि आम छात्र जो हैं वो अपने काबिलियत के बल पे, अपने मेहनत के बल पे आगे बढ़ रहे होते हैं। और आप भी यहां तक पहुंचेंगे तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि ये हलवा है सर, सूजी और चीनी डालने के बाद हम लोग इंजन में पहुंच जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करने के बाद आपको जो एक मतलब लाइफ की सिक्योरिटी मिलती है सर, वो गवर्नमेंट सेक्टर में होती है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करते हैं। अच्छा, कई सारे आपको मोटिवेशनल वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग मिल जाएगी कि गवर्नमेंट में ये होता है, प्राइवेट में ये होता है, वो सब चीज़ अलग है। लेकिन पेरेंट्स, आपके लाइफ का, आपके खुद का, आपके ऊपर डिपेंड होने वाले लोग का सेटिस्फेक्शन सिर्फ और सिर्फ GOVT है सर, आप समझ गए होंगे। तो कहीं ना कहीं जो आपके मन में ये डाउट चलेगा कि सर इतना हम प्राइवेट में भी कमा सकते हैं, ऑब्वियसली नो डाउट, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन है वो यहाँ से आएगी। ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ इतना ही तक आपकी लाइफ नहीं चलती है, पूरे जॉब पीरियड में आपको इतना ही मिले ये नहीं है सर, आपका प्रमोशन भी होता है, आपके लाइफ में सर ग्रोथ भी देखने को मिलता है। और ये जो आपको मतलब अप्रोक्सीमेट दिख रहा है ये आपके इनिशियल फेज का है और इसमें बहुत सारे अलाउंस जो है सर वो भी इंक्लूड होते हैं। आप कहेंगे कि चलो सर इसको अभी थोड़ा सा साइड करते हैं, ये बता दो कि हमें करना क्या पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में ये रहता है कि एलपी बनने के बाद सिर्फ हमें ट्रेन चलानी पड़ेगी। नहीं मेरे मित्र, आपको इंजन मेंटेनेंस का भी काम होना चाहिए और इसीलिए ITI या टेक्निकल की डिग्री मांगी जाती है सर इस एग्जाम के लिए। मेरे मित्र ध्यान देंगे, अगर एलपी के लिए जॉब प्रोफाइल की बात करें, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जॉब प्रोफाइल की बात करें, तो पहला जो आपका काम होगा वो होगा फाइन ट्यूनिंग द लोकोमोटिव, यानी कि जो आपका लोकोमोटिव है, जो सेड है या जो आपको इंजन मिल रहा है उसका ट्यूनिंग सही हो, ठीक है। कॉलिंग आउट सिग्नल वन साइटेड मतलब जो आपका सिग्नल वगैरह है उसको आपको हैंडल करने के लिए आना चाहिए। अटेंडिंग टू माइनर रिपेयर ऑफ द लोकोमोटिव, इंजन में अगर माइनर प्रॉब्लम आ रही है, मेजर के लिए तो टेक्नीशियन जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अगर रास्ते में सर माइनर प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं वो भी आपको करना होगा। और रेगुलरली चेकिंग द एफिशिएंसी ऑफ द लोकोमोटिव, और आपको लगातार नियमित रूप से कह सकते हो कि जो इंजन की एफिशिएंसी है वो भी चेक करके बतानी होगी। तो आपके कुछ लॉग बुक होंगे जिसमें आपको जो कार्य होंगे आपको वो करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ ट्रेन चलाना ही नहीं होता है, आपको इंजन का, आप एक तरह से कह सकते हो मेंटेनेंस का भी कार्यभार आपके ऊपर होता है।
तो ये तो हो गई जॉब प्रोफाइल की बात। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सर इसमें पर्क्स और अलाउंस क्या मिलते हैं हमें, यानी कि आप कहते हो ना कि सर मतलब कुछ सुविधाएं मिलनी चाहिए, या मतलब एएलपी बनने के बाद हमारा जीवन किस तरीके से परिवर्तित होगा। तो चूंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर का आपका जॉब है और कहीं ना कहीं पहला जो परिवर्तन है वो आपको सेटिस्फेक्शन से देखने को मिलेगा। दूसरा मेरे मित्र, इसमें जो आपको मतलब सैलरी के साथ इंक्लूड होते हैं उसमें होता है आपका डीए, जिसको हम लोग डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, फिर होता है आपका आरए, जिसको हम लोग रनिंग अलाउंस बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट यानी कि टीए, फिर आपका एचआरए, ठीक है, और एनपीएस। अभी तो 2024 के लिए आपका एनपीएस भी आ गया है, न्यू पेंशन स्कीम। इसमें आपकी सैलरी से ही कुछ अमाउंट डिडक्ट होंगे जो कि आपको रिटायरमेंट के समय मिलेंगे। डिडक्शन ऑफ 10% फ्रॉम द सैलरी फॉर पेंशन स्कीम, मतलब आपकी सैलरी का 10% अमाउंट डिडक्ट होगा। और साथ ही मेरे मित्र आपको जो अन्य सुविधाएं मिलेगी, अगर हम अन्य सुविधा की बात करें तो फ्री मेडिकल फैसिलिटी टू द स्टाफ एंड देयर डिपेंडेंट्स विल बी प्रोवाइडेड एट रेलवे एंड इन पैनल्ड हॉस्पिटल्स, यानी कि आपको मेडिकल फैसिलिटी भी फ्री मिलेगी। जो आप रेलवे स्टाफ हैं, मतलब अगर आप एएलपी हैं तो आपके डिपेंडेंट जो भी हैं, आपकी सर वाइफ, आपके जो सर बाल बच्चे होंगे, उन सभी को सर क्या होगा, तो रेलवे के तरफ से जो इनपैनल्ड हॉस्पिटल होंगे या फिर रेलवे का जो अपना हॉस्पिटल होगा उसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। आगे आपका फ्री रेलवे टिकट्स विल बी प्रोवाइडेड टू फैमिली मेंबर्स ऑन पार्टिकुलर रूट्स। पार्टिकुलर रूट्स पे आपको मतलब अपने फैमिली मेंबर के साथ फ्री टिकट की भी व्यवस्था दी जाएगी। होम सिटी एंड ऑल इंडिया ट्रेवल अलाउंस, मतलब आप अपने घर और ऑल इंडिया ट्रेवल अलाउंस के लिए आपको सर क्या मिलेगी, सर छूट मिलेगी, ग्रेच्युटी, साथ ही 30 डेज अर्नड लीव, यानी कि आप 30 दिन का अर्नड लीव का मतलब क्या हुआ कि आपको सैलरी मिलेगी और 30 दिन आप छुट्टी पे रह सकते हैं। और 12 डे का आपको सर क्या होगा, कैजुअल लीव होगा, और हाफ पे लीव और मेडिकल लीव ऑफ 30 डेज, मतलब क्या आधा पेमेंट, या फिर आप मेडिकल लीव पे हैं 30 दिन के लिए तो आपको वहां पे आधा पेमेंट दी जाएगी। तो कुल मिला के ये कह सकते हो कि सर जो आपको सुविधाएं मिलेगी एएलपी में वो सर इतनी सुविधाएं होगी, हो सकता है कुछ घट बढ़ जाए। अब सवाल ये कि चलो सर ठीक है ये चीज, लेकिन हमारा ग्रोथ कैसे होगा इसमें। तो मेरे मित्र आपकी जो प्रमोशन होंगे वो प्रमोशन आप शुरू कहां से करेंगे सर, लोको पायलट से, आप असिस्टेंट लोको पायलट से शुरू करेंगे। और ध्यान रखिएगा फिर आप क्या बनेंगे सर, असिस्टेंट लोको पायलट के बाद आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बनेंगे, और इसके बाद आप लोको पायलट हो जाएंगे, फिर आपका लोको सुपरवाइजर, यानी कि आप ये कह सकते हो कि सर आपको जो प्रमोशन मिलनी है वो कहां तक, लोको सुपरवाइजर तक। ये टाइपिंग मिस्टेक है, वो 4 भी लिख दिया है जबकि ऐसा नहीं है, ये 3 ही आपके मेन आप कह सकते हो प्रमोशन है। सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट, एएलपी आप ज्वाइन करेंगे, और एएलपी ज्वाइन होने के बाद आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट और लोको सुपरवाइजर तक पहुंचेंगे। साथ ही मेरे मित्र ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग बात करें इसके पोस्ट वाइज सैलरी की, तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो इनिशियल पेमेंट वो 35,000 के अप्रोक्सीमेट में, जब आप लोको पायलट गुड्स होते हैं यानी कि असिस्टेंट से आप सीनियर में आ गए, और मेरे मित्र जब आप मतलब मालगाड़ी के ट्रेन के लोको पायलट हैं तो आप ये मान के चल सकते हो आपकी सैलरी सर इतना के अप्रोक्स होगी। अब लोको पायलट मेल हैं तो सर मेल ट्रेन की जो सैलरी होती है, मेल ट्रेन के जो लोको पायलट होते हैं उसकी सैलरी थोड़ा ज्यादा होती है। और संटिंग लोको पायलट तो सर इसकी सैलरी 28 से सर 38,000। संटिंग मतलब क्या, जो गाड़ी यार्ड वगैरह में लगा हुआ रहता है वहां पे बहुत सारी चीजें होती है, आप देखते होंगे कि कोई इंजन लेके जा रहा है, कोई इंजन लेके आ रहा है, तो सर वहां पे आपको सैलरी 28,000 से 38,000 के बीच मिलती है। लोको पायलट पैसेंजर के लिए 50 से 66, और लोको पायलट हाई स्पीड के लिए सर 77 से आपका 88,000 के बीच में सैलरी रहती है। तो एक तरह से कह सकते हो कि चिला अगर बेहतर तरीके से सही दिशा में सर कर्म कर लिया जाए तो परिणाम आपको जरूर बेहतर देखने को मिलेगा, और आप लोको पायलट को ज्वाइन करके भी सर एक बेहतर लाइफ को जी सकते हो। तो ये एक मतलब कह सकते हो कि संशय सभी छात्रों के मन में लगातार था कि गुरुजी इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है और इसकी सैलरी क्या होती है, क्या सैलरी 35 से 40 के बीच ही होती है या इससे ज़्यादा होती है। मेरे ख्याल से आप सभी आज के इस सेशन से कहीं ना कहीं समझ पाए होंगे। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के सर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।